Yes, students of 9th class, today we will continue the previous lecture. Previous lecture जहाँ पे हमने छोड़ा वहीं से आज हम start करने वाले हैं. We will discuss the basics of the same chapter lines and angles. पिछले lecture में हमने जो यहाँ पे discuss किया था, if we have a plane, we can draw infinite lines in the same plane. Taking this whiteboard as a plane, we can draw infinite lines. इनफाइनाइट लाइन्स में से हम दो को फिक्सिट कर लेंगे, दो लाइन्स को ले सकते हैं यहाँ पे, जो हम उन दो लाइन्स के साथ कर सकते हैं वही हम दूसरे लाइन्स के साथ भी देख सकते हैं. यहाँ पे मान ली ये एक लाइन है, दूसरी लाइन है. एक कंडीशन हमने डिस्कस की थी, कोई ड्राइव टू लाइन्स यार दे डज नॉट इंटरसेक्ट एट ए सिंगल पॉइंट, दे डज नॉट इंटरसेक्ट. जब वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही होंगी कहीं पे भी, तब जाके वो पलट दी. वो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था. अब इस लेक्चर में जो दो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, ऑब्वियसली इफ वी हैव टू लाइनें नेसेसरी देन इफ दे इंटरसेक्ट, दे इंटरसेक्ट एट ए सिंगल पॉइंट, यहां पे इंटरसेक्ट. अब यहां पे ये पोर्शन जो है, this we can say this is inclination of line L with M, or we can say it is the inclination of line M with L. इसी तरह यहां पे भी ये portion जो है, we can say this is inclination of this line L with M, or inclination of M with L. अब ये क्या है, this is an angle, इसी को हम एंगल बोलते हैं. अब हम एंगल डिफाइन करने वाले, उसके लिए हमें एक रे चाहिए. रे को डिफाइन कर रहे हैं हम यहां, डेफिनेशन ऑफ रे. रे की डेफिनेशन क्या है, इफ वी हैव ए मूविंग पॉइंट विच मूव्स फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड पाथ ट्रेस्ड बाय दैट मूविंग पॉइंट इज अ स्ट्रेट, that path, straight path is called a ray. Given a moving point, given a moving point, point which moves from a fixed point, say moves in a straight way, the path traced by the point is called a ray. ये हमारे पास है. आप अगर हम इसी रे पे कंडीशन डाल देंगे कि ये रे मूव कर रही है, जब ये रे मूव कर रही है तब जाके क्या होगा, बट वी टेक दिस एज ए फिक्स्ड पॉइंट एंड दिस रे मूव्स, यहां पे इस तरह हम यहां पे इसका मूवमेंट लेंगे, इस पॉइंट को हम फिक्स कर लेंगे और ये जो रे है इट मूव्स. चलो मान ले इट मूव्स यहां तक, इसने मूव किया, ये इसका मूवमेंट यहां तक, या ये इसे मूव किए यहां तक, जो आप चाहे, जितना आप चाहे इसका मूवमेंट. ये जो पॉइंट हम यहां पे फिक्स किए इज कॉल्ड वर्टेक्स, वर्टेक्स बोलते हैं इसको. एंड दिस रे जिसका आपने मोमेंट लिया, इट इज कॉल्ड इनिशियल पोजिशन ऑफ द रे, इनिशियल पोजिशन ऑफ द रे. और जहां तक इसका मोमेंट हो गए, यहां तक हमने मान लिया, इट इज कॉल्ड फाइनल पोजिशन, फाइनल पोजिशन ऑफ द रे, और
दे दे स्टूडेंट, ये चीजें आप जहन में रखना। यहां पे जो इसका मूवमेंट होगा इस रे का फ्रॉम दिस टू दिस, अब जो ये फाइनल रे का जो इंक्लिनेशन इस इनिशियल रे के साथ, ये जो इंक्लिनेशन है, दिस इज कॉल्ड एन एंगल, दिस इज कॉल्ड एन एंगल। इफ वी टेक ए मूवमेंट ऑफ ए रे फ्रॉम द वर्टेक्स, फिक्स्ड वर्टेक्स, फिक्स्ड पॉइंट वर्टेक्स टू दिस पोजिशन, दिस पोजिशन ऑफ दिस रे एंड हेयर इट इज कॉल्ड फाइनल पोजिशन ऑफ द रे, जहां पे रे थी इट इज कॉल्ड इनिशियल पोजिशन ऑफ द रे, एंड दिस इंक्लिनेशन इज कॉल्ड एन एंगल। डियर स्टूडेंट, ध्यान में रख लेना, अब ये हमारे पास एंगल आ गया, जो ये एंगल है इट इज द इंक्लिनेशन ऑफ फाइनल पोजिशन ऑफ ए रे विथ इनिशियल पोजिशन ऑफ द गिवन रे विच मूव्स from the initial position to final position, जो इनका inclination है that is called an angle। अब इस angle के तीन parts हैं, angle it is called an angle, angle is usually denoted by theta से भी इसको denote करते हैं, या x से भी y से भी जिस तरह आप चाहे इसको denote कर सकते हैं। यहां पे इज कॉल्ड एन एंगल, एंगल के तीन पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट ये होता है इट इज कॉल्ड वर्टेक्स, जो अभी हमने बताया था, दिस इज कॉल्ड आर्म ऑफ एन एंगल, आर्म आर्म इट इज आल्सो कॉल्ड आर्म ऑफ एन एंगल, इट इज आप ये मान सकते हैं इट इज इनिशियल पोजिशन ऑफ द रे दैट इज द इनिशियल आर्म, इट इज द फाइनल आर्म। यस, ये चीजें आपको जहन में होनी चाहिए एंगल के बारे में। अब हमारे पास एंगल आ गया सिंपली, जो यहां पे हुआ यहां पे और यहां पे, यहां अब एंगल आ गया। अब जब हमारे पास एंगल आ गया, ये तो यहां तक भी मूवमेंट कर सकता है, ये तो यहां तक भी मूवमेंट कर सकता है, ये तो इस तरह यहां से होके यहां तक भी मूवमेंट कर सकता है, इस तरह हमारे पास डिफरेंट एंगल्स आएंगे। अब जब हमारे पास डिफरेंट एंगल्स आ गए, तब जाके हम इन एंगल्स की कैटेगरीज देख सकते हैं, दैट इज वी कैन टेक द क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स। इसके बाद एंगल के बाद हम क्या कर सकते हैं, वी हैव इनफाइनाइट एंगल्स, इफ वी हैव एन एंगल वी हैव इनफाइनाइट एंगल्स विच इज फॉर्मड बाय दिस दीज टू दिस रे, इसी रे से हमारे पास इनफाइनाइट एंगल्स बन सकते हैं। इन इनफाइनाइट एंगल्स की हम क्लासिफिकेशन देख सकते हैं, ओबियस जब हमारे पास बहुत सारे एंगल्स होंगे, बहुत सारे फॉर एग्जाम्पल अगर हम फिजिकल एग्जाम बहुत सारे अप्रोच होंगे, हम फिर कैटेगरीज करते हैं, ये बड़े वाले अप्रोच है, मिडल स्मॉल वाले। इसी तरह हमारे पास बहुत सारे एंगल्स आ गए, वी कैन क्लासिफाई दीज एंगल्स, इनकी क्लासेस हमारे पास है। फर्स्ट क्लास डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्लास है एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल्स किन एंगल्स को बोलते हैं, जिनका मेजर डियर स्टूडेंट ध्यान में रखें, इफ थीटा इज द एंगल, अगर इसका मेजर लेस देन 90 होगा एंड ग्रेटर देन 0 होगा, इनके दरमियान 0 से होके 90 तक अगर थीटा का मेजर आ गया, तब जाके दैट इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल, दैट इसमें इनफाइनाइट होंगे, फॉर एग्जाम्पल 45 होगा 30 होगा, ये फॉर एग्जाम्पल 30 है ये 45 है जो भी है, ये सारे एक्यूट एंगल्स हैं। इस ये जो क्लास ऑफ एंगल, क्लास ऑफ एंगल्स फ्रॉम 0 से होके 90 तक के मेजर के एंगल्स जो है, इस क्लास एंगल सॉरी बॉडी, इस क्लास ऑफ एंगल्स को हम एक्यूट एंगल्स बोलते हैं, जो इस क्लास में एंगल्स होते हैं उनको हम एक्यूट एंगल्स बोलते हैं। ये हो गया फर्स्ट क्लास। सेकंड क्लास डियर स्टूडेंट, अगर हमारे पास एंगल का मेजर 90 होगा, 0 से होके 90, अब अगर हमारे पास एक एंगल का मेजर 90 होगा, जस्ट दिस,
दिस इज कॉल्ड क्लास ऑफ राइट एंगल, इसमें एक ही एंगल होता है 90, दिस इज कॉल्ड राइट एंगल। ये राइट एंगल दिस क्लास ऑफ राइट एंगल। इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो है 90 से होके, इस तरह अगर हमारे पास थीटा इज लेस देन 180 इज ग्रेटर देन 90, अगर यहां पे इस मेजर के एंगल्स हम लेंगे, इसमें भी इनफाइनाइट बहुत सारे होंगे इनफाइनाइट, इस क्लास में जो एंगल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्स। एंगल्स फॉर एग्जांपल ये है इसका 110, जो भी एंगल होगा 90 से होके 180 तक उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। ये क्लास ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल्स। एंड नेक्स्ट क्लास जो है, अगर हमारे पास ये एंगल है, ये एंगल है, दैट इज एंगल 180 से होके 360 तक, 80 से होके 360 तक, इस एंगल को हम बोलते हैं, इस क्लास ऑफ एंगल्स को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। डियर स्टूडेंट्स, एंड वन मोर एंगल इज, इफ दिस इज द वर्टेक्स इट मूव्स, यहां पे जो एंगल इट इज 180, इट इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। अब कितने क्लासेस आ गए, एक क्लास तो एक्यूट एंगल्स है, दूसरा है राइट एंगल्स, तीसरा है ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, एंड दिस वन इज रिफ्लेक्स एंगल। ये पांच क्लासेस हमारे पास हैं एंगल्स के। डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम जाएंगे, कुछ और डिस्कस कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम वीडियो को इख्तिताम पसंद कर लें, इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेना, ताकि दूसरे बच्चे भी इनसे इस्तेफादा हासिल कर सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।